वेलकम बैक टू माय चैनल अनवेशा स्पेशल। तो आज मैं आप सबके साथ एक डेजर्ट आइटम की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ गाजर का हलवा। तो चलिए गाजर का हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए ऑब्वियसली गाजर। यहाँ पर मैं 4 मीडियम साइज गाजर को ग्रेट करके लिया हूँ। यहाँ पर है कुछ ड्राई नट्स, काजू है, किशमिश है और है पिस्ता। ये है घी, ये है एक ग्लास में मिल्क लिया हूँ, मिठाई मेड अमूल का मिल्क मेड। यहाँ पर है शक्कर, मैं हाफ कप शक्कर लिया हूँ और है कार्डमम पाउडर। बस यही चीज़ चाहिए हमें गाजर का हलवा बनाने के लिए। तो अभी मैं फ्लेम ऑन करके कढ़ाई चला दिया हूँ। अभी इसमें डालूंगी घी, थोड़ा सा 1 स्पून जैसा मैंने घी डाल दिया। अभी घी थोड़ा मेल्ट हो जाए उसके बाद मैं इसमें नट्स डाल दूँ। तो अभी घी मेल्ट हो चुका है, अभी मैं इस स्टेज में डाल दूंगी नट्स, काजू, किशमिश और पिस्ता। और इसको मैं 25 to 30 सेकेंड्स के लिए थोड़ा सा फ्राई करूँ। तो नट्स को मैंने 30 सेकेंड तक फ्राई करके इसको निकाल लिया हूँ। अभी सेम कढ़ाई में मैं थोड़ा और घी डालूंगी और पूरा ये जो गाजर का हलवा है मैं पूरा घी में बनाऊंगी, क्योंकि गाजर का हलवा पूरा घी में बनाने से इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप इसमें ऑयल मत डालिएगा, पूरा घी से ही बनाइएगा। मैंने 2 टेबलस्पून जैसा घी इसमें ऐड कर दिया हूँ। अभी घी थोड़ा मेल्ट हो जाए उसके बाद मैं ये ग्रेटेड गाजर इसमें डाल दूंगी। तो अभी घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है, अभी स्टेज में मैं गाजर डाल दूंगी। यहाँ पर मैं 4 मीडियम साइज गाजर को ग्रेट करके लिया हूँ। और इसको लो टू मीडियम फ्लेम में अभी अच्छे से कुक करना है। थोड़ा अच्छे से घी के साथ इसको मिक्स कर दूंगी पहले। फिर इसको लो टू मीडियम फ्लेम में इसको 10 मिनट्स तक मैं कुक करूंगी, ढक के विथ लीड 10 मिनट्स तक इसे कुक करूंगी। जब तक ना ये थोड़ा गाजर जो है थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए तब तक इसको कुक करना है ढक के। तो मैं अभी लीड लगा दूंगी और 10 मिनट तक इसको लो टू मीडियम फ्लेम में कुक करूंगी। तो अभी 10 मिनट हो चुका है, अभी मैं लीड निकाल के इसको फिर से एक बार चला दूंगी। और मैं बीच बीच में एक बार करके चलाई, नहीं तो ये नीचे लग सकता है। मेरा नॉनस्टिक का कढ़ाई है फिर भी नीचे लग सकता है, तो आप बीच बीच में एक बार करके चला लेना। और अभी मैं इसमें डालूंगी मिल्क, ये पूरा 1 ग्लास मिल्क मैं इसमें डाल दूंगी। और इसको अच्छे से मिक्स करके लो फ्लेम में फिर से इसको 10 मिनट कुक करूंगी ढक के और बीच बीच में एक बार करके चला लूंगी। तो अभी 10 मिनट हो चुका है, तो आप देख सकते हो ये कैरेट बहुत सॉफ्ट हो चुका है अभी, और जो मिल्क था वो भी लगभग सूख गया है। अभी इसको मैं ज्यादा ड्राई नहीं करूंगी, अभी स्टेज में मैं डाल दूंगी शक्कर। मैं 2 टेबलस्पून शक्कर डालूंगी क्योंकि मैं आगे मिल्क मेड भी डालने वाली हूँ। तो मैं 2 टेबलस्पून शक्कर ऐड किया हूँ, अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी और मिल्क मेड डालूंगी। अभी मैं डालूंगी थोड़ा सा मिल्क में डाल दूंगी। अभी इसको अच्छे से मिक्स करके फिर से 7-8 मिनट के लिए ढक के कुक कर। अभी मैं इसको ढक के फिर से 7-8 मिनट के लिए कुक करूंगी।
8 मिनट हो चुका है, अब इसको एक बार चला दूंगी फिर से। और कैरेट जो है मेरा एकदम पूरा सॉफ्ट हो गया है और पूरा मिल्क भी इसका एकदम सूख गया है। अभी इसको मैं ज्यादा कुक नहीं करूंगी, अभी इस स्टेज में मैं डाल दूंगी ये जो ड्राई नट्स को मैं घी से फ्राई करके रखी थी, इसको डाल दूंगी। और इसमें डालूंगी थोड़ा सा कार्डमम पाउडर, और डालूंगी घी एक स्पून जैसा, एक स्पून जैसा मैं घी डालूंगी। ये गाजर का हलवा आप पूरा घी से बनाना गाइस, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ऑयल यूज मत करना, घी से ही बनाना। अभी इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। अभी इसको बस 2-3 मिनट के लिए फिर से लो फ्लेम में ढक के रख दूंगी, फिर मेरा गाजर का हलवा एकदम रेडी हो जाएगा। तो अभी 2 मिनट हो गया है, अभी मैं इसको अच्छे से एक बार चला लूंगी और मेरा गाजर का हलवा एकदम रेडी है। अभी मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे प्लेट में निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। गाजर का हलवा मेरा बनके तैयार है, आप देख सकते हो। और मैं ऊपर से थोड़ा सा पिस्ता को क्रश करके इसको गार्निश किया हूँ, और ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। आप ये घर पे मास्ट ट्राई करना और मुझको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो अगर आज का ये रेसिपी आपको पसंद आए देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज एंड शेयर माई वीडियोज विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। कीप मोटिवेटिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय।